सर मेरा यही था स्टार्टिंग में कि किताबी कीड़ा नहीं बनना, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, क्योंकि सर मतलब एक अप्रोच ये होती है कि हाँ भाई आप पढ़ते रहो, एक ये अप्रोच होती है आप पर्सनालिटी भी डेवलप करते रहो। हेलो शुभम, क्या हाल चाल है? हेलो सर, गुड इवनिंग। आई एम वेरी गुड, आप बताइए आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया शुभम, बहुत अच्छा लगा तुमसे आज इतने टाइम बाद मुलाकात हुई। तो सबसे पहले तो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को सभी अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि शुभम हमारा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है इनफैक्ट, और हमारा आरकेजीएन स्टूडेंट रहा है। और शुभम की जो जर्नी है आपने थंबनेल में भी देखा होगा, शुभम की अचीवमेंट्स जो हैं वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हैं। तो आज इस छोटे से इंटरव्यू से हम शुभम की जर्नी के बारे में जानेंगे, उसके क्या क्या अप्रोचेस थे क्लास ट्वेल्थ में, सीए की जर्नी में, कॉलेज में, और अब जो वो इतना अच्छा काम कर रहा है उसमें, और उसकी इस जर्नी से हम कुछ इनसाइट्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो शुभम सबसे पहले तुम अपने बारे में हमारे सभी बच्चों को बताओ कि तुम्हारी कैसे जर्नी स्टार्ट हुई क्लास 11th 12th में, और उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारी जर्नी को आगे लेके जाएंगे, और फिर उसमें कुछ कुछ चीजें मैं तुमसे बीच बीच में पूछता रहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मेरे थ्रू अगर लोगों को इंस्पिरेशन मिले तो मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ कि मैं इंस्पायर कर पाऊंगा लोगों को, सो थैंक यू फॉर दैट। सो सर, टॉकिंग अबाउट माई जर्नी स्कूल लाइफ में, सर मैं ऐसा स्टूडेंट था, नॉट द टॉपर काइंड ऑफ मटीरियल, मतलब पीछे बैठता था लेकिन मार्क्स अच्छे खासे ले आता था। तो मैं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना कि टीचर्स को एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है कि ये बच्चा जरूर करेगा, पर वो कर नहीं पाता था, मतलब टॉप 3 में नहीं आ पाता था। तो मैं वैसा सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट था। तो सर फॉर्चुनेटली 12th मार्क्स में अच्छे मार्क्स आए, टॉप भी किया स्कूल में कुछ सब्जेक्ट्स में। तो फॉर्चुनेटली मेरा हमेशा से स्टार्टिंग से यही था कि मुझे कॉलेज जाना है, दैट इज व्हाई मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था 12th क्लास में। सो फॉर्चुनेटली मुझे वन ऑफ द बेस्ट कॉमर्स कॉलेजेस शहीद भगत सिंह कॉलेज से अपॉर्चुनिटी मिली, उसमें मैं आपको थैंक यू बोलूंगा। आपने उस टाइम पे मुझे बहुत गाइड किया था कि कौन सा कॉलेज चुनो, और यू आर ऑल्सो एन इंस्पिरेशन कि हाँ कॉलेज इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। So, right. मेरा भी यही था कि college builds up a base, तो I joined शहीद भगत सिंह, वहां से फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद I did articleship from Grand Thornton, क्योंकि हमारे टाइम पे कॉलेज के विदिन यू कैन नॉट डू योर आर्टिकलशिप, सो उसके बाद मुझे आर्टिकलशिप करनी थी। तो 2016-2019 मैंने अश्योरेंस सर्विसेज में आर्टिकलशिप की, सो वहां पे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले। आई थिंक आप पूछोगे उसके बारे में, सो मैं फर्दर डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद सर आई क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब सीए अच्छी रही जर्नी, और देन आई जॉइंड इंफोसिस लिमिटेड एज एन एसोसिएट कंसल्टेंट। ओके, 2 साल वहां पे काम किया, रिसेंटली अभी जून में लीव किया है, और अभी नेक्स्ट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में हम शायद बात करेंगे फर्दर, तो वहां पे मैं ज्वाइन करने वाला हूं। ओके शुभम, ग्रेट ग्रेट। तो मुझे पता है अच्छी, बहुत तुम्हारी जर्नी अच्छी रही। मुझे एक तो ये बताना शुभम, तुम्हारा जो कॉलेज था शहीद भगत सिंह, उसमें तुमने जो कोर्स करा था वो बीकॉम ऑनर्स ही था, राइट? Sure sir, yes, BCom honors. BCom honors sir. तो शुभम पहले मैं उस उधर के ही पार्ट पे थोड़ा सा आ रहा हूँ। जैसे बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो एडमिशन सीजन अभी स्टार्ट होने ही वाला है या हो चुका है, तो BCom honors करना चाहते हैं बहुत बच्चे, और साथ में CA भी कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्राइम क्वेश्चन तो यही आता है बच्चों को, क्योंकि मैक्सिमम क्वेरी इसी पर है, तो इसलिए मैं भी हर बच्चे से पूछता हूँ कि कॉलेज भी था तुम्हारा शहीद भगत सिंह रेगुलर कॉलेज था, और CA भी था साथ में, ऑल्दो CA की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग तुमने स्टार्ट करी थी कॉलेज खत्म होने के बाद, लेकिन वो जो सीए फाउंडेशन या सीए इंटर की तैयारी भी करना और कॉलेज भी रेगुलर जाना, वो कैसे मतलब हो पाया, मैनेजेबल है? और कॉलेज में तुमने कोई अदर को करिकुलर एक्टिविटीज जो थी वो भी मतलब कुछ करी थी, या साधु बन गए थे, क्या था? सर मेरा यही था स्टार्टिंग में कि किताबी कीड़ा नहीं बनना, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, क्योंकि सर मतलब एक अप्रोच ये होती है कि हाँ भाई आप पढ़ते रहो, एक ये अप्रोच होती है आप पर्सनैलिटी भी डेवलप करते रहो। सो मैं कहूँगा कॉलेज में जिम भी ज्वाइन किया, जैसे मैंने जिम के लिए भी टाइम निकाला कॉलेज में, जैसे फेस्ट में पार्टिसिपेट करता था। हाँ, किसी सोसाइटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी सीए की जर्नी है, तो मैं कुछ चीजें कर सकता हूँ, कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। सो स्टार्टिंग से मेरा था कि कॉलेज में क्लासेस अटेंड करता था, थोड़ी बहुत बंक जो रेगुलरली लोग करते हैं वो तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन कॉलेज भी चलती थी। हाँ सर, लेकिन सर हमारे टाइम पे तो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी आ गया था, तो मतलब बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था कि छोड़ भी दिया था उस चक्कर में। ओके, छोड़ दे। लेकिन मेरा ये था कि नहीं, मुझे चाहे चार साल हो चाहे 5 साल हो, मुझे कॉलेज जरूर करना है पूरा, क्योंकि सर वो बेस बिल्डअप करता है। एंड मैं स्टूडेंट्स को भी बताऊंगा कि बाद में जब आप आर्टिकलशिप के लिए जाते हो,
टॉप 10 बिग कोर्स या आप पोस्ट क्वालिफिकेशन जाते हो तो ये कॉलेज आपका बहुत मैटर करता है. सीए आप चाहे एक दो अटेम्प्ट लगा लो लेकिन कॉलेज अगर आप अच्छा करके आओ, अच्छे कॉलेज से आप हो तो वो बहुत मैटर करता है. सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मेरा सर इसलिए ये था कि कॉलेज भी को भी जस्टिफाई करना है और सीए भी करना है. तो इसी से शुभम मुझे बस ये पूछना था कि तुम्हारा ऑब्वियसली टॉप 10 फर्म्स जो हैं इंडिया की उसमें जीटी में तुमने ट्रेनिंग करी थी, तो उस जीटी में एडमिशन के लिए या वहां पर एंटर करने के लिए तुम्हें क्या लगता है किन बातों का ध्यान दिया गया या तुमने ऐसी क्या उसके लिए प्रिपरेशन करी या मतलब क्या चीजों का ध्यान रखा कि तुम्हें उस टॉप 10 फर्म में एडमिशन मिल गया, तो वो क्या क्राइटेरियाज थे? सर वही कॉलेज की वजह से ही मेरे को बहुत हेल्प मिली. मेरा कैंपस प्लेसमेंट से हुआ था. सो जीटी अलोंग विद ऑल द बिग फोर्स दे केम इन आवर, बिग फोर तो नहीं शायद, पता नहीं आई थी या नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, बट जीटी वाज द वन और आई वाज द ओनली वन फ्रॉम अश्योरेंस प्रैक्टिस जो सिलेक्ट हुआ था अपने कॉलेज से. सो ऑफ कैंपस भी मेरा सिर्फ बिग फोर में सिलेक्ट हो गया था, बट मैं चाहता था कि नहीं मैं जीटी में ही ज्वाइन करूँ बिकॉज उनका विजन मेरे को बहुत अच्छा लगा था. ओके ओके. तो तुम्हारा वहां पे ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस जो था 3 साल का, वो कैसा रहा एश्योरेंस में, वो भी थोड़ा सा हमको बताओ बच्चों को. सर काफी हेक्टिक था, लाइक आप जानते होंगे 12-12 घंटे काम करना और कोचिंग एक सब्जेक्ट के लिए था. सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे कोचिंग होती थी, फिर गुड़गांव आई हैड टू ट्रैवल क्योंकि गुड़गांव मेरे सारे क्लाइंट्स होते थे. सो गुड़गांव 1.5 घंटे का मेट्रो, मतलब 3 घंटे की ट्रैवल, 3 घंटे की कोचिंग और 10 से 12 घंटे की आर्डुअस वर्किंग आवर्स. सो सर जस्टिस मतलब करना पड़ता है आपको आर्टिकलशिप में, तो वो मेरा बहुत अच्छी जर्नी रही. और सर एक चीज और ऐड करूंगा कि अच्छे एक्सपोजर से क्या होता है कि आपकी लर्निंग भी होती रहती है. लाइक फॉर इंस्टेंस मैं लिस्टेड क्लाइंट्स करता था तो मेरी सेबी लॉ, मेरे लॉ ऑडिट ये अपने आप ही होता जा रहा था. हाँ मैं यही पूछ रहा था, तो वो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस में जो तुमने सीखा वो तुम्हारे फाइनल में हेल्प करा क्या सब्जेक्ट्स में? एब्सोल्युटली सर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट, लॉ, टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ये 5 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हाईएस्ट मार्क्स स्कोरिंग भी होते हैं फाइनल्स में. हाँ. और आप अश्योरेंस प्रैक्टिस में पर से ज्यादा से ज्यादा लर्न कर सकते हो. सो मेरे को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला था उस चक्कर में, तो मेरे को लर्निंग मेरी स्टार्टिंग से डेवलप होती रही. तो वो 3 साल की ट्रेनिंग भी हो गई, उसमें लर्निंग एक्सपीरियंस भी हो गया, उसका फाइनल फायदा सीए फाइनल के एग्जाम में भी मिला. एग्जैक्टली सर. ओके. तो अब क्योंकि शुभम तुम तो सीए बन भी चुके, तो एक बार थोड़ा सा वो भी फीलिंग बताना कि जब तुम सीए बस बने, रिजल्ट देखा, तो वो क्या मोमेंट था और घर में मतलब उस चीज को लेकर कैसे सेलिब्रेट किया गया? सो सर हमें आर्टिकलशिप में 5 मंथ्स की छुट्टी मिलती है, तो 5 मंथ्स मैंने मेहनत की और मैं इस अप्रोच से गया कि आपको रैंक 1 लानी है, लानी है, लानी है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई था सर. मुझे पता है मेरे पेरेंट्स की मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन थी. सो रैंक तो नहीं ला पाए सर, 2 मार्क्स से रैंक रह गई, बट स्टिल आई कुड स्कोर ग्रेट मार्क्स. आई कॉल मायसेल्फ ऑल इंडिया रैंक 52. बट आंसर हमारे अटेंड में एक खास बात थी कि हमारा कोर्स चेंज हो गया था, सो वी हैड टू अडैप्ट टू न्यू कोर्स. NDS आ गया था, इनडायरेक्ट टैक्स आ गया था, राइट, तो ये सब चीजें आ गई थी, तो वो अडैप्ट करना था, तो एक डर भी था. लेकिन हाँ मुझे ये जरूर एग्जाम्स देने के बाद ये जरूर पता चल गया था कि तुम अच्छा स्कोर करने वाले. डायरेक्ट टैक्स में थोड़ा डर था, तो डायरेक्ट टैक्स में 40 मार्क्स आ गए थे तो मैं खुश था. तो बाकी सर एक्साइटमेंट रिजल्ट वाले दिन ये था कि मम्मी पापा रोए थे, ऑब्वियसली इमोशनल हो जाते हैं, मैं भी रो गया था थोड़ा. और ये हुआ था सर कि ठीक है टेंशन गई, 3 साल की जो मेहनत की थी, जो आर्टिकलशिप में भी मेहनत की थी, वो इट वाज ऑल वर्थ इट. ग्रेट शुभम, ग्रेट. तो बहुत अच्छा लगा शुभम मुझे भी जब तुमने बताया था कि मैं सीए बन गया, तो चाहे पेरेंट्स को तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा खुशी होती है, फिर टीचर्स को भी बड़ा अच्छा प्राउड फीलिंग लगता है कि मतलब हमारे अपने स्टूडेंट्स या जिनको हम छोटे में देखते थे और वो सीए बन गए और एक अच्छे लेवल पर पहुंच गए, तो एक उसका अलग ही मजा आता है. तो शुभम खैर हमारे ऑडियंस में अभी ज्यादातर बच्चे जो है वो थोड़ा सा छोटे हैं कंपैरेटिवली, 11th में है कुछ, 12th में है या कुछ कॉलेज गोइंग है, तो एक थोड़ा सा तुम, क्योंकि तुम तो सारी वो जर्नी रिसेंटली कवर करके निकले हो, सब कुछ तुमने देखा है, नए दुनिया में अभी क्या चल रहा है, किन चीजों की इम्पोर्टेंस ज्यादा है वो तुम बहुत अच्छे से जानते हो, तो थोड़ा सा तो बच्चों को तुम ये बताओ कि क्या माइंडसेट रखना चाहिए अगर अगर वो अभी क्लास 12th में है स्पेशली, तो किस तरह से अपनी पढ़ाई को मैनेज करें, क्या अप्रोच रखें 12th में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तुम्हारी क्या टिप होंगी उनके लिए? सर आई वुड से कि अब जनरेशन इतनी आगे बढ़ गई है कि टेक्नोलॉजी की बहुत अबंडेंस हो गई है, यूट्यूब हो गया, हमारे टाइम पे इतना ज्यादा नहीं था ये सब चीजें. सो आपको स्टार्टिंग से ही अपनी पर्सनैलिटी डे बाई डे डेवलप करनी पड़ेगी. तो मैं ये कहता हूँ कि 12th में आपका फोकस ऑब्वियसली ये होना चाहिए कि आपको शिद्दत से कोर्स पे ध्यान देना चाहिए और टॉप करने की एक्सपेक्टेशन अपने आप से रखनी चाहिए. अलॉन्ग विद इट आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी चाहिए, तो आपको बुक्स पढ़नी चाहिए पर्सनैलिटी, जैसे सर मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे बुक्स का सेक्शन है, सारी पर्सनैलिटी डेवलप करना.
सो आपको ये भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, बिकॉज सर उसका भी इम्पैक्ट आपकी एजुकेशन पे पड़ता है. जो थॉट्स होते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं, तो वो चीजें भी करनी चाहिए. सो ट्वेल्थ में सर मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि हाँ पर्सनैलिटी भी डेवलप करनी है और अच्छे मार्क्स भी स्कोर करनी है. एंड आई वुड से कि ट्वेल्थ के मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो ट्वेल्थ अच्छे से करो क्योंकि उसी के बेस पे आपको कॉलेज एडमिशन मिलेगा. उसी के बाद फिर आपका देन सीए जर्नी अच्छी होगी, स्टार्ट हो पाएगी. ग्रेट, ठीक है शुभम. अच्छा शुभम, मैंने ये भी सुना है कि अब तुम्हारे आगे के उस पे आ रहा हूँ मैं काम पर, कि कुछ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी तुमने इंडिया को रिप्रेजेंट करा, कुछ ऐसा भी था. और अब सीए बनने के बाद की जर्नी के बारे में थोड़ा सा और बच्चों को बताओ, कि क्योंकि तुम्हारी जर्नी मुझे काफी इंस्पायरिंग लगती है, तो बच्चों को भी काफी इंटरेस्टिंग लगेगा सुन के कि सीए तुमने कर लिया. और आमतौर पर सीए बनने के बाद और अच्छा पैकेज लगने के बाद प्लेसमेंट में सोचते हैं लोग कि अब चलो अब हम सेट हो गए, अब हम आगे बढ़ते रहेंगे. तो तुमने वो सब चीजें छोड़कर आजकल अब तुम मुझे पता है कुछ अलग ही कर रहे हो, तो उसके बारे में कुछ बताओ कि ये क्या, कहाँ से शुरू हुआ और क्या क्या तुमने उसमें कर लिया. तो सर मैंने इंफोसिस ज्वाइन किया था एक दो रीजन की वजह से. फर्स्ट कि मुझे एसएपी में थोड़ी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी थी, एसएपी सॉफ्टवेयर में मुझे अपना थोड़ा लर्निंग करना था. सेकंड सर आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय नारायण मूर्ति'स विजन एंड उनकी थॉट प्रोसेस, तो उसके चक्कर में मैंने काफी स्टार्टअप्स और अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस के पैकेजेस भी सैक्रिफाइस किए थे, क्योंकि मुझे पता था इस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे मेरा विजन सॉर्टेड लग रहा है, मैच करता है. हां मैच करता है. तो सर वो दो साल करने के बाद मुझे लग गया कि नहीं व्हाट नेक्स्ट. सो देन आई डिसाइडेड, स्टार्टिंग से सर मैं फादर के साथ अपनी एनजीओ में काम करता था, तो लोगों को सोशल वर्क जैसे कि फूड प्रोवाइड करना, क्लोथिंग प्रोवाइड करना, हेल्थ कैंप्स लगवाना, वो धीरे धीरे करता था. मैं ये नहीं कहता कि मैं फुल डिवोट करता था, बट पापा अगर 90% करते तो मैं 10% हेल्प करता था. मतलब वो तुम्हारे ब्लड में है सोशल वर्क करना, दैट आई नो. हाँ सर, मतलब पापा की वजह से थोड़ा सपोर्ट मिलता रहा, वो उन्होंने मोटिवेट करते थे हमेशा. तो उसके बाद सर मैंने जब कोविड वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी, तो उस कोविड ने रियलाइज करवाया कि देयर इज मच मोर, मतलब लाइफ में मनी से ज्यादा बहुत कुछ चीजें हैं, आपको सेटिस्फेक्शन भी चाहिए. सर जॉब में मुझे वो जब लोग मर रहे थे देखते हुए देखा मैंने कि क्या हो रहा है, तो मुझे लगा कि नहीं यार मुझे कुछ और करना चाहिए, मेरी सर्विसेज कहीं और यूटिलाइज हो सकती है, यूज हो सकती है. सो मैंने इंफोसिस छोड़ा सर, एंड देन आई लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज इन द पब्लिक सेक्टर, डेवलपमेंट सेक्टर में. सो मेरा एक सिलेक्शन चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट एक प्रोग्राम होता है, हरियाणा गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है हर साल 25 कैंडिडेट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, ऑल ओवर इंडिया. उसमें सर आईआईटीज के प्रोफेशनल्स, आईआईएम अहमदाबाद के लोग और काफी अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स हैं जो कुछ कर चुके हैं ऑलरेडी, कुछ कर रहे हैं या जो कुछ करना चाहते हैं डेवलपमेंट सेक्टर में. सो उन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है और वो एडमिनिस्ट्रेशन की असिस्टेंस करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं. अच्छा, तो सर उसी पूरे भारत से जो 25 लोग सेलेक्ट हुए उसमें तुम एक, तुम भी हो, राइट? यस सर, यस सर. और उसमें कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं? आई गेस तुम अकेले ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हो. हाँ सर, मेरे बैच में मैं अकेला हूँ. आई एम ओनली द सेकंड मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुआ है अभी तक. चलो, तो मेरे जस्ट एक बैच पहले ये सिलेक्ट हुए थे. मतलब इस अचीवमेंट के लिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मतलब एक वर्चुअल क्लैप है, हैट्स ऑफ टू यू. और मैं सच में बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ इस समय. ये तुमने जो बात बताई मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरी भी छाती चौड़ी होगी, मैं भी किसी को बोल सकता हूँ कि ये मेरा स्टूडेंट शुभम है जो इस मुकाम तक अभी फिलहाल यहाँ पर पहुंचा हुआ है. तो बहुत अच्छा शुभम. जस्ट टू ऐड सर, हार्वर्ड का मैं जैसे बोल रहा था कि हार्वर्ड का भी सर रिजल्ट उसी दिन आया था. तो हार्वर्ड का क्या होता है सर, एक HPAIR कॉन्फ्रेंस होती है वर्ल्ड में, तो वो एशिया कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें यूथ को बुलाया जाता है कि जो इश्यूज डिस्कस करते हैं, तो वर्ल्ड के कीनोट स्पीकर्स होते हैं जैसे बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, प्राइस वाटरहाउस कूपर और थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर, ऑल सच डिग्निटरीज कम एंड वो स्पीच देते हैं, इश्यूज पे डिस्कशन होता है. सो सर आई एम ऑल्सो द फॉर्चुनेट वंस टू रिप्रेजेंट आवर कंट्री, और हमारी कंट्री से मैं ही नहीं हूँ, बहुत लोग सिलेक्ट होते हैं. सो आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट हर कंट्री से वो लोग चूज करते हैं और वही उनका क्राइटेरिया यही होता है जो कुछ कर चुके हैं, जो कुछ कर रहे हैं या जिनका विजन होता है. सो ग्रेट. वहाँ पे सर वो कॉन्फ्रेंस अगस्त में हो रही है, कोविड की वजह से वो वर्चुअल होगी, बट वैसे वो ताइवान में कंडक्ट होती. ओके ओके शुभम. नहीं, मैं जितना समझ पा रहा हूँ तुम्हारे यहाँ तक पहुँच पाने का जो रीजन है वो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि तुम जब छोटे भी थे, यानी कि 11 12th में भी थे, तो तुमने बोला कि मैं अपनी पर्सनालिटी पर काम करना चाहता था. मैं शुरू से मतलब तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही जो था वो ऐसा नहीं था कि तुमने सोचा बस सीए बन गए या जॉब लग गई अब काम खत्म. तुम्हारा विजन शुरू से ही बड़ा था, तो आई नो कि यू विल गो प्लेसेस और तुम आगे भी देखना, और 5-6 साल या 10 साल के बाद तुम्हारा नाम और ज्यादा सुर्खियों में आने वाला है अच्छे कामों के लिए, दैट आई नो. थैंक यू सर, योर ब्लेसिंग्स, आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से सर हम स्टूडेंट्स बस आगे बढ़ते रहते हैं.
बहुत अच्छा लगता है शुभम, बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप कि बच्चों को भी इन चीजों से काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंस्पिरेशन मिला होगा कि जब शुभम कर सकता है तो वो भी अपने अच्छे थॉट प्रोसेस को अगर पकड़ के चलते हैं, अपने विजन को आगे लेकर चलते हैं, तो डेफिनेटली वो भी लाइफ में बहुत बड़ा बड़ा अच्छा अचीव कर सकते होंगे। अच्छा शुभम, अब थोड़ा सा ये बताना, क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे काफी सारे जो सीए भी करना चाहते हैं, सीए कर भी रहे हैं, तो उनको कुछ ये बताओ कि सीए की जर्नी में, स्पेसिफिकली सीए ओरिएंटेड जर्नी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में तो ये अफवाह शुरू से ही चली आ रही है कि सीए तो बहुत टफ है, होता नहीं है, फाइनल में अटक जाते हैं और सौ तरह की चीजें होती हैं। तो तीन लेवल्स तुमने भी दिए थे, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, तो अब किस तरह से तुम तीनों लेवल्स में बच्चे को क्या ऐसा मूल टिप या मंत्रा देना चाहते हो जो उसकी पूरी सीए जर्नी में हेल्प करे, वो क्या हो सकता है? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूंगा कि अपनी लाइफ में एक मेंटर या अपना एक गाइड ढूंढो, वो बहुत जरूरी होता है। आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, बट प्रोफेशनल जर्नी में आपको एक मेंटर चाहिए। सो आई वाज फॉर्चुनेट कि सीपीटी और आईपीसीसी में आप मेरे मेंटर की तरह एक्ट किए, आप बताते थे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। एंड फाइनल में मुझे मेरी टीम में एक रैंक होल्डर थे और जहाँ जी टीम में मैं काम करता था, सो ही वॉज द गाइड। उन्होंने बोला था कि तू अच्छे से काम कर, गारंटी मेरी होगी कि मैं तेरे को रैंक दिलवाऊंगा। सो सर, जब टीम इतनी अच्छी हो और जब मेंटर्स आपके लाइफ में हो, सो आपकी जर्नी और बेटर हो जाती है। सो फर्स्ट सर, आई वुड से कि मेंटर्स आपकी लाइफ में होने चाहिए, गाइड एक होना चाहिए। सेकंड सर, आई वुड से कि नेगेटिविटी अवॉइड करो, चाहे रिलेटिव्स की हो, क्योंकि ये ऐसी जर्नी है सर कि लोग हवा बना देते हैं सीए कभी की, बहुत टफ है, तुमसे नहीं हो पाएगा, आपको डिमोरलाइज करते हैं। सो अवॉइड द नेगेटिव पीपल एंड जस्ट एक अर्जुन की आंख की तरह फोकस करके आपको आगे बढ़ना है। थर्ड सर, आई वुड से कि स्ट्रेटेजाइज करो, चाहे सीपीटी आईपीसीसी फाइनल हो, आपको पता है कि कितने पेपर्स हैं और उसके हिसाब से आपको ईयर वाइज आपको प्लानिंग करनी है कि ठीक है मुझे दो सब्जेक्ट की कोचिंग अभी लेनी है, दो की तब। ये स्ट्रेटेजी सर इम्पोर्टेंट फाइनल में बहुत हो जाती है, क्योंकि तब आपको वर्किंग भी करना होता है साथ के साथ। हाँ, फाइनल में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्किंग भी है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी ज्यादा है, प्रेशर भी ज्यादा है। यस सर। सो सर, मेरे ये तीन इम्पोर्टेंट मंत्र थे, मेंटर, हार्डवर्क या फिर ओवर द नेगेटिव पीपल एंड थर्ड की स्ट्रेटेजाइज करना। चलो बहुत अच्छा शुभम, तुमने अच्छा बताया बच्चों को। तो जो भी बच्चा सीए कर रहा है, सीए बनने का सोच रहा है, तो बड़े सिंपल से लग रहे हैं सुनने में मंत्रास, लेकिन इसको आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा 4 से 5 साल, तो आपकी सीए की जर्नी जो है वो एटलीस्ट थोड़ा सा ईजी हो जाएगी और आप भी अपने शुभम की तरह ही फाउंडेशन या इंटर या फाइनल के एग्जाम्स को एक ही बार में क्लियर कर पाओगे। अच्छा शुभम, आगे बढ़ते हैं, अब जाने से पहले, क्योंकि अब हमें इंटरव्यू बंद भी करना है। तो अब तुम्हारी जर्नी हमने देख ली, बड़ी इंस्पायरिंग थी, चीजें तुमसे हमने पूछ ली। जाने से पहले बस ये और जरूर बताना सभी बच्चों को, चाहे वो 12th में हो, कॉलेज में हो या सीए कर रहा हो, कुल मिलाकर क्या एक ऐसी विजडम टिप तुम देना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास फैसिलिटी नहीं होती, क्योंकि तुम एक टीयर वन सिटी से बिलोंग करते हो मैं जानता हूँ, या हम टीयर वन सिटी में रहते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारी ऑडियंस में बच्चे हैं जो टीयर टू या टीयर थ्री सिटी में रहते हैं। अब वहाँ पे वो अच्छे शायद इंग्लिश नहीं बोल पाते, उन्हें लगता है हम अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते, हम कैसे पर्सनैलिटी को डेवलप करें। सीए करना भी है लेकिन खाली किताब पढ़ के सीए बन गए तो आगे स्कोप उतना अच्छा नहीं मिल पाता या अच्छी फर्म में एडमिट नहीं हो पाते। तो जो बच्चा भी थोड़ा सा रूट लेवल पर है, छोटा है, उसको तुम क्या विजडम टिप देना चाहते हो कि वो कैसे अपने आप को बड़े लेवल पर या बड़े स्टेज पर आ पाए, उसके लिए तुम कुछ बताओ कि वो क्या करे। सर, ये सीए की जर्नी ऐसी है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आपको सक्सेसेस भी देखने को मिलेंगी, फेलियर्स भी देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट मैं यही कहूंगा कि आप रेडी रहो कि आप फेलियर में को भी देखने के लिए रेडी हो, मतलब आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, आप ये प्रिपेयर रहना इस जर्नी में। सेकेंड सर, आई वुड से कि सैक्रिफाइसेस आपको बहुत करने पड़ेंगे इस जर्नी में। सो राइट फ्रॉम 12th सीपीटी आईपीसीसी फाइनल्स आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। लोग मूवीज देखने जा रहे होंगे, आप लोगों को घर पे बैठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी। सेकंड सर, ये है कि सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। थर्ड सर, आपको एक स्पार्क होनी चाहिए आपकी लाइफ में, आपको एक ड्रीम होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो ये सीए क्यों करना चाहते हो। मेरी लाइफ में था कि सर मुझे अपने पेरेंट्स का नाम सबसे बड़ा करना है और मैं आगे भी कुछ भी काम करूंगा तो मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स के नाम के लिए ही कर रहा हूँ। सो दैट इज माई मोटिवेशन इन लाइफ, आपकी लाइफ ड्राइव करता है कि आपको अच्छा करना है। बहुत अच्छा औरों की लाइफ में और मोटिवेशन फैक्टर होगा। सो आई वुड से कि आप एक वो मोटिवेशन फैक्टर फाइंड करो अपनी लाइफ में, अगर आपने वो फाइंड कर लिया देन यू विल सेल थ्रू, आप कुछ भी करो यू विल सेल अचीव कर रही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, ये बहुत ओवररेटेड होते हैं तो इसलिए मैंने चौथे पे रखा, बट हाँ ये भी आपको करना है, ये करना ही। बहुत टाइम। हाँ जी,
ठीक है। और एक छोटी सी चीज शुभम जो रह गई कि जो तुमने शुरू में एम्फेसिस करा पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर, तो जो बच्चों के पास सुविधाएं नहीं होती, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ओरिजिनली ये भी था, जो टीयर टू या टीयर थ्री में बच्चे रहते हैं, वो कैसे मतलब अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें, क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? बच्चा अगर ट्वेल्थ में कॉलेज में जा रहा है, क्या ऐसे दो तीन चीजें करे कि उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो, ताकि वो सीए बने या कुछ और भी अगर करे तो कंपनीज में या अच्छे जगह आर्टिकलशिप में उसको उसको मौका मिल सके। तो पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए क्या दो तीन चीजें उसको करनी चाहिए? सर दो तीन चीजें लाइक अभी जो मेरे दिमाग में आ रही है, वो फर्स्ट ये है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कंटेंट लर्न करो, आप यूट्यूब वीडियोस देखो, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव हो, बिकॉज वो बहुत इंपैक्ट प्ले करते हैं आपकी कॉलेज में भी और आपके आर्टिकलशिप में भी। आप क्लाइंट्स के साथ डील करोगे, सो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे, और वो सर रूरल बैकग्राउंड का आदमी भी कर सकता है, सीख सकता है यूट्यूब से, और वो एक अर्बन बैकग्राउंड से भी कर सकता है। राइट। और सेकंड सर आई वुड से कि वही बुक्स रीड करो, लोगों से बात करो, आपको इंट्रोवर्ट नहीं बनना है, एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश करो, मतलब ज्यादा ज्यादा लोगों से मिलो, अपने आप को एक्सप्रेस करो लोगों को। एग्जैक्टली सर, क्योंकि सर मैंने बहुत सारे रैंक होल्डर्स ऐसे भी देखे हैं जो जीडी नहीं क्लियर कर पाते, उनका जीडी क्लियर करने का रीजन यही होता है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर पाए। सो दैट इज वाई वो चाहे थ्योरेटिकली तो मार्क्स लिया है, लेकिन वो सर अपना उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं की, तो अनफॉर्चुनेटली उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। हाँ, और असली वर्ड में, कॉर्पोरेट वर्ड में कहीं पे भी आपको बोलना तो पड़ेगा ना, आपको पैसे इस बात के तो मिलेंगे नहीं कि आप बैठे और अपना खाली काम करना है, बोलना तो पड़ेगा। राइट, एग्जैक्टली सर। थर्ड सर आई वुड से कि ब्लॉगिंग आप कर सकते हो, मैंने भी अभी ब्लॉगिंग थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, तो अपने जो भी थॉट्स हैं आप उसको लिखा करो, गूगल ट्रांसलेट होता है, अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हो तो हिंदी में लिखो, इंग्लिश को ट्रांसलेट करो, ये सब चीजों से सर आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हो। तो स्लो एंड स्टडी, आजकल सोशल मीडिया का बहुत जमाना है, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। चलो ठीक है शुभम, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके शुभम, एंड आई होप बच्चों आपको भी ये इंटरव्यू पसंद आया होगा, और शुभम की जर्नी तो वाकई में बहुत इंस्पायरिंग थी, और जो जो चीजें उसने बताई पर्सनालिटी को लेकर, जो छोटे छोटे टिप्स बताए माइंडसेट को लेकर, चाहे आप अभी ट्वेल्थ में भी क्यों ना हो, आपका माइंडसेट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सीए की जर्नी शुभम ने बताई कि किस तरह की बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, और विजन के बारे में जो शुभम ने कहा कि देखो एक मोटिवेटिंग फैक्टर अगर रहेगा आपकी लाइफ में, आपका विजन क्लियर रहेगा, तो आप कुछ भी आसानी से अचीव कर सकते हो। तो आई होप बच्चों आपको आज का ये हमारा इंटरव्यू पसंद आया होगा, और आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा नेक्स्ट किसी इसी तरह के ही इंटरव्यू में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।